Hello, how are you today? So let's begin with another important part of your syllabus, that is note making and summarizing. So what is a note? Note is a brief record of points and ideas. So किस चीज का एक brief record है आपके main points का और ideas का. एक बहुत ही लंबा पैसेज है या आपकी टीचर आपको कोई कुछ डिक्टेट कर रही है या वो कुछ आपको समझा रही है उसमें rather than writing down everything which is not possible आप उसको क्या कर सकते हो उसको points में लिख सकते हो या उसके main ideas लिख सकते हो जिसको कि आप बाद में refer कर सकते हो. It is an aid to your memory. आपको हर चीज याद रखना possible नहीं है but जब आप उन points को refer करोगे तो आपको काफी सारा passage जो है which has been explained और what you have read आपको याद आ सकता है. So now, how is a note helpful to us? As I told you, it enhances our help with our memory. Then, you know, we can see the important points. हम अपने notes को जैसे refer करेंगे, तो हमें सब main points हमें उसमें नजर आ जाएंगे. And it is very helpful for students in the exams. Because exams की तैयारी करने के लिए जो बच्चे बहुत marks oriented हैं, marks लाने के लिए आपको notes बहुत help करते हैं. आप जल्दी से नोट्स को रेफर कर सकते हो और उनको अपने वर्ड्स में एलेबोरेट कर सकते हो. एंड इट इज आल्सो हेल्पफुल टू प्रिपेयर डिबेट्स स्पीचेस लेक्चर्स एंड डिस्कशंस. इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन सम डिबेट कॉम्पिटिशन और आप स्पीच देने के लिए जा रहे हो लेक्चर्स एंड डिस्कशंस आपके पास अगर मेन पॉइंट्स हैं तो आप जल्दी से उनको रेफर करके उसको एलेबोरेट करके एक अच्छी सी स्पीच बोल सकते हो या उस डिबेट डिबेट में आप कोई भी पॉइंट मिस नहीं कर सकते. सो इट और इट इज आल्सो हेल्पफुल टू प्रिपेयर डिबेट्स स्पीच लेक्चर्स एंड डिस्कशंस. इट आल्सो हेल्प्स इन ड्रॉइंग इन्फरेंसेस एंड कंक्लूजंस. तो अगर आपको किसी बात तक पहुंच चाहिए किसी नतीजे पे आपने पहुंच गए तब भी नोट्स आपकी बहुत हेल्प करते हैं. Now, note making is helpful to anyone who wants to compress a large piece of information into brief, organized and summarized memory. एक बहुत बड़ा piece of information जो है अगर आप उसको एक कुछ words में बताना चाहते हो उसको एक organized way में लिख के उसको explain करना चाहते हो या उसकी summary बताना चाहते हो so notes, their notes are very useful. And it's that piece which can be easily referred to as and when required. जब भी जहाँ भी जैसे भी आप चाहो आप उन points को refer कीजिए और आप अपनी बात को अच्छे से explain कर सकते हैं. It must be as brief as possible with maximum of 50 words. अगर आपको कुछ summary लिखनी है या कुछ points लिखने हैं तो maximum आप उसमें 50 words use कीजिए और उसमें सारे मेन पॉइंट्स को लाने की कोशिश कीजिए. देन यू हैव टू गिव अ टाइटल टू इट. एक सुटेबल टाइटल जो टाइटल पढ़ के आपको समझ आ जाए दैट व्हाट इज दिस पैसेज ऑल अबाउट उसको ढूंढिए सुटेबल टाइटल को और उसको नाम दीजिए. देन ओनली फैक्ट्स आर टू बी गिवन. डोंट हैव टू बीट फ्रॉम द बुश. ओनली फैक्ट्स आर टू बी गिवन. 1, 2, 3 दीज आर द फैक्ट्स विच आर एक्सप्लेन्ड इन द पैसेज. Then relevant details are to be given. अगर कुछ थोड़ा सा डिटेल देना है तो दैट शुड बी रेलेवेंट. उसको कोई एक्स्ट्रा अपने से अपना ओपिनियन या अपनी परसेप्शन नहीं यूज करनी. यू हैव टू गिव रेलेवेंट डिटेल दैट टू इन शॉर्ट. देन यू नो नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इज हाउ टू गो अबाउट इट. रीड द पैसेज केयरफुली एंड आइडेंटिफाई थीम एंड सेंट्रल आइडिया. आप पैसेज को अच्छे से पढ़ें और उसका सेंट्रल थीम या जो सेंट्रल आइडिया है या उसमें से आप थीम आइडेंटिफाई कीजिए दैट व्हाट डज राइटर वांट टू से. आपको कोई डायग्राम उसमें नहीं देना. यू शुड ओनली यूज वर्ड्स फ्रेजेस और शॉर्ट सेंटेंसेस. आप वर्ड्स यूज कर सकते हो या फ्रेजेस यूज कर सकते हो या फिर छोटे सेंटेंस यूज कर सकते हो. मीन्स एक लंबी बात को अपने एक छोटे छोटे सेंटेंसेस में फ्रेम करके आप बता सकते हो. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट डाउन इन द लॉजिकल सीक्वेंस इन विच द डेटा हैज बीन गिवन. ऐसा नहीं कि ए के बाद आप
क्या राइटर ने एक्सप्लेन करा है, आपको बिल्कुल उसी सीक्वेंस में नोट्स बनानी है। तो इन पॉइंट्स को एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। डू नॉट ड्रॉ एनी डायग्राम्स, यूज ओनली वर्ड्स फ्रेजेस एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। उसको लॉजिकल सीक्वेंस में आपने लिखना है जिस सीक्वेंस में डेटा दिया हुआ है। यू शुड यूज अब्रिविएशंस, दिस इज इम्पॉर्टेंट। आपको पूरा पूरा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नहीं लिखना, आपको प्राइम मिनिस्टर पूरा नहीं लिखना, आपको अब्रिविएशंस यूज करनी है लाइक CBSE, UNO, PM और GK। फिर आपको सिंबल्स यूज करनी है, जैसे परसेंटेज है, KG है, एंड है, दीज आर सम कॉमनली यूज्ड सिंबल्स। एंड शॉर्ट फॉर्म जैसे ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, exp.etc.org। तो आपको बड़े वर्ड्स के, लॉन्गर वर्ड्स के छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म्स यूज करनी है। यू कैन ऑल्सो क्रिएट सम ऑफ योर ओन शॉर्ट फॉर्म, बट मस्ट मेंशन इट एट द एंड ऑफ द वर्ड्स, क्योंकि टीचर जब उसको इवेल्युएट कर रही तो उसको क्या पता कि आपने इस वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप बड़े वर्ड्स की अपनी शॉर्ट फॉर्म्स में बना सकते हो। जैसे etc.org, ये तो यूजली शॉर्ट फॉर्म्स है वो हम यूज करते हैं, बट आप अगर अपने तरफ से भी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बना सकते हो, बट सो दैट यू गेट टीचर टू नो आप उसमें क्या है, बाद में उसको लिख दीजिए, मस्ट मेंशन कि इस वर्ड की शॉर्ट फॉर्म मैंने ले दी है। Then you do not get over enthusiastic about abbreviations. उसको you need to abbreviate every word, यानी कि आप हर word के abbreviation बनाने वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जो relevant words हैं, कुछ commonly used हैं, कुछ चंद एक आप अपने से use कर सकते हो, उसको आप use कर सकते हो। So you should not abbreviate every word. सारे words को आपको abbreviate नहीं करना, उसमें से कुछ जो commonly used हैं और कुछ जो आप अपने से बना सकते हो, आप उनको अब्रिविएट कर सकते हो। एज अ जनरल रूल, हेडिंग शुड नॉट बी अब्रिविएटेड। सो दिस इज अ जनरल रूल व्हिच इज कॉमन फॉर एवरीवन, दैट हेडिंग को आपने अब्रिविएशंस में नहीं लिखना। एंड यू मे यूज अब्रिविएशंस इन सब हेडिंग, सब हेडिंग में आप अब्रिविएशंस यूज कर सकते हो। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर नोट मेकिंग? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो How has the main idea been presented and developed? कि एक जो सेंट्रल आइडिया है उसको किस तरह से राइटर ने डिवेलप करा है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। उसके साथ आर देयर टू और थ्री सबॉर्डिनेट और एसोसिएटेड आइडियाज? उसके साथ भी कुछ सबॉर्डिनेट और एसोसिएटेड आइडियाज हैं तो उनको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। वन पैराग्राफ जनरली कंटेन्स वन आइडिया, एक पैराग्राफ में जनरली एक ही आइडिया होता है, उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए और उसको फिर उसका मेन हेडिंग बना दीजिए। देन आफ्टर दैट आइडेंटिफाई एंड नोट द सबॉर्डिनेट आइडियाज, क्लासिफाई इनटू हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। आर देयर फर्दर डिटेल्स और पॉइंट्स ऑफ द सब टाइटल्स? फिर देखिए कि जो आपने सब हेडिंग्स लिख के उसकी क्या आगे फर्दर डिटेल्स है, तो उसको भी मेंशन कीजिए। अब देखते हैं कि नोट का जो है फॉर्मेट किस तरह का होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका मेन हेडिंग आ जाएगा, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इट शुड बी द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। हेडिंग आप हमेशा पैसेज के मेन आइडिया से लेंगे। देन आफ्टर दैट frame a heading based on the central idea and write it till the middle of the page. तो आप जो भी उसका central idea है उसमें से आप heading दीजिए और उसको middle of the page में बिल्कुल center पे आप उसको लिख दीजिए। अब उसकी formatting कैसे करूँगा? पहला आप लिखिए main point, उसको फिर नीचे A दे दीजिए, A sub point, और आगे अगर सब पॉइंट के कुछ पॉइंट्स हैं, देन स्मॉल लेटर ए एंड बी, सब सब पॉइंट, सब सब पॉइंट। इसको आगे इट विल गेट यूज्ड दैट मोर क्लियर व्हेन
we will do a note making in detail. Then second, main point, सब पॉइंट, सब पॉइंट, फिर अगर अब देखो इसमें ए के आगे सब सब पॉइंट्स नहीं है, पर बी में सब पॉइंट के आगे है सब सब पॉइंट, सब सब पॉइंट है जिसमें आप रोमन नंबर्स भी यूज कर सकते हो। फिर से मैं आपको याद करवा दूं, यू हैव टू यूज अब्रिविएशंस, शॉर्ट फॉर्म्स एंड सिंबल्स। ऑल द पॉइंट्स शुड मेंटेन द सेम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मार्जिन। आपको जितने भी पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस बीच में सेम होना चाहिए, आई मीन मेंटेन द सेम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मार्जिन, मार्जिन से उनका डिस्टेंस सेम होना चाहिए, सो दैट ये ज्यादा लॉजिकल लगता है और ज्यादा सीक्वेंस में ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। देन लेट्स अंडरस्टैंड द मार्किंग स्कीम, नोट्स, हेडिंग। जो नोट का हेडिंग होगा, टाइटल, उसका कितना मार्क होता है? 1 मार्क। अब्रिविएशंस और अगर आप कॉन्ट्रेक्शन यूज करते हैं उसका भी 1 मार्क। देन आफ्टर दैट सब हेडिंग 2 to 3 mark as per the requirement along with 2 to 3 points, ये कितने marks का होगा? 3 marks का। Now summarizing, summarize, जो आप summary लिखे वो आप 80 words से exceed ना करें। Write a paragraph using the main points listed in the notes. Complete sentences are used, there you have to use complete sentences which are logically and cohesively linked together with the help of suitable linkers. तो आपको summary में भी relevant details देनी है, आपको भी अपनी opinion या अपनी perception बीच में नहीं add करनी, और जो आपके sentences हैं they are to be logically and cohesively linked together with the help of suitable linkers. इसकी marking scheme मैं आपको बता दूँ, content for 2 marks, expression for 1 mark, standard word limit for summary is 80 words, जैसे मैंने आपको पहले बताया, which is around 1/3 of the passage. Now there is a passage for the practice. Now read this paragraph. There are 2 problems that cause great worry to all educationists: the problem of religious and moral destruction in the land of many faiths, and problems arising out of the large variety of languages. इसकी नोट्स बनाते हैं। टाइटल क्या है? इन्फ्लुएंस ऑफ फेथ एंड लैंग्वेजेस ऑन एजुकेशन। अब इसमें इसके इसके हमने मेन पॉइंट्स लिए, क्या है? वरी ऑफ एजुकेशनिस्ट, एजुकेशनिस्ट किस किस चीज के लिए वरी करते हैं? सीक्वेंस मैंने ये दे दिया, आप इसको दूसरा सीक्वेंस भी दे सकते हो, ए बी सी भी लिख सकते हो। प्रॉब्लम ऑफ रिलीजन एंड मॉरल एजुकेशन, देन इज फेथ एंड वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस। तो हमारी जो कंट्री में वेराइटी ऑफ फेथ से और वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस है। टेकिंग अप द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, वी सी दैट दे शुड बी ट्रेन टू लिव वन अनदर, टू बी काइंड एंड हेल्पफुल टू ऑल, टू बी टेंडर टू द लोअर एनिमल्स एंड टू ऑब्जर्व एंड थिंक राइट। द टास्क ऑफ टीचिंग देम हाउ टू रीड एंड राइट and to count and to calculate is important, but it should not make us lose sight of the primary aim of molding personality in the right way. Keep mathematics, English, reading, writing, calculation sab important hai, but hamara jo sole aim hai education ka, that is molding personality in the right way, means overall growth, personal growth hai to be good. Ab iski practice karte hain. So टास्क ऑफ टीचिंग, ये सेकंड पॉइंट है आपका, इसमें मैंने 2.1, 2.2, 2.3 ले लिए। मोल्डिंग राइट पर्सनालिटी, लविंग वन अनदर, बीइंग काइंड एंड हेल्पफुल टू ऑल, टेंडर टू लोअर एनिमल्स, ऑब्जर्विंग एंड थिंकिंग राइट। फॉर दिस इट इज नेसेसरी टू कॉल इनटू एट कल्चर, ट्रेडिशन एंड रिलीजन, बट इन आवर कंट्री वी हैव इन द सेम स्कूल to look after boys and girls born in different faiths and belonging to families, they live diverse ways of life, easy path of invading their difficulty by attending solely to physical culture and intellectual education. We have to evolve a suitable technique and method for serving the spiritual needs of school children professing different faiths. We should
thereby promote an atmosphere of mutual respect, a fluid understanding and helpful cooperation among the different communities in our society. Again, we must remain one people, and we have therefore to give basic training to our schools to speak and understand more languages than one, and to appreciate and respect the different religions prevailing in India. It is not right for us in India to be overtaking the young mind. What is necessary must be done, and it is not in fact the great body. Is the any attempt to do away and steamroll the differences through government coalition and indirect pressure would be a futile, as it would be unwise. Iska ye ek short form diya hua. Any imposition of the single way of life in form of workshop on all children, or neglect of a section of the pupils in this respect, or barren secularization, will lead to a conflict between school and home life, which is harmful. On the other hand, if we give due recognition to the different prevailing faiths in the educational institutions by organizing suitable facilities for religious teachings for boys and girls of all communities, all problems will be solved to a larger extent. This may itself serve as a broadening influence of great national values. So, अब इसके ये third point अब लेते हैं. Third point is spiritual needs of the school children, that is teaching mutual respect, cooperation among different communities, and speaking and understanding more languages than one. अब इसमें key to abbreviations कौन-कौन सी abbreviations short form में use abbreviations use हुई हैं बड़े से board के लिए. For example, education के लिए use हुआ है, languages innumerable and different and religious. So अब इसकी हम summary करते हैं. इतना बड़ा जो हमने passage पढ़ा है, इसकी summarize इसको किस तरह से करेंगे. I mean ये जो मैंने आपको notes बनाए हैं, ये मैंने paragraph to paragraph बनाए हैं. बट आपको जब एक्चुअली पेपर में अटेम्प्ट करना है तो पूरा का पूरा पैसेज आपको पैराग्राफ टू पैराग्राफ पढ़ के उसके एक साथ नोट्स बनाने हैं. यहाँ मैंने सिर्फ आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए नोट्स बना के दिखाए हैं. जनरली स्कूल चिल्ड्रन फेस टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. इज अ प्रॉब्लम ऑफ रिलीजन एंड मॉरल एजुकेशन, सिंस देयर आर इन्यूमरेबल फेथ्स एंड लैंग्वेजेस एज वेल. The task of teaching involves molding right personality, and that will give them love. They should learn to be kind and helpful. They should be tender to lower animals. There are certain techniques which can achieve the spiritual needs. They can learn mutual respect and cooperate with the children of different communities. It is important that they should cooperate and understand others as well. This is understand others as well, they can't be changed. So this is all about summary. अब आप देखिए कि इतना बड़ा पैसेज था, उसको हमने समराइज करके एक ऑलमोस्ट 80 वर्ड्स के आसपास हमने उसकी समरी बना दी, जिसमें कि सारे के सारे मेन पॉइंट्स आ गए. तो दिस इज ऑल अबाउट नोट मेकिंग एंड समराइजिंग. अब इसकी आप और प्रैक्टिस कीजिए, टेक आउट पैराग्राफ, वेरियस यू नो पैसेजेस, various passages, different passages from different fields, और आप उनके notes बनाने की practice इस तरह से कर सकते हैं. Thank you and God bless you.